कॉम्बैट डिकोड हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 था, सिम्पसन रूल था। सिम्पसन बोल देने से बाय डिफॉल्ट, मैंने आपको बोला जब भी सिम्पसन बोला तो बाय डिफॉल्ट 1/3, अगर 3/8 बोलना होगा तो 3/8 वो बोलेगा। ओके, तो हमारे पास है क्वेश्चन, ये तो टेन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन होता था ना, फिर भी यहाँ तो सिम्पसन रूल लगाना है। एग्जैक्ट की बात नहीं करेंगे हम लोग, सिम्पसन की बात करते हैं, सिम्पसन रूल। ओके, तो सिम्पसन रूल सबसे पहले है क्या? तो सिम्पसन रूल मैं लिख रहा हूँ, एक बार ध्यान से आप देखिएगा। सिम्पसन रूल में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होती है चीज, वो होती है सब इंटरवल इवन होना चाहिए। यस, वी हैव सब इंटरवल इवन, इसका मतलब हम सॉल्व कर पाएंगे। ओके, वी हैव सब इंटरवल इवन, लास्ट मैंने क्वेश्चन में इसके बारे में बात करी है, यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे थे, तो सब इंटरवल इवन है। ओके, ए और बी की वैल्यू दी हुई है, एन की वैल्यू दी हुई है, तो एच इज इक्वल टू, मैं स्टेप साइज निकाल लेता हूँ, ये होता है बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन। तो बी मेरे पास कितना, 1, ए मेरे पास 0 डिवाइडेड बाई 4, 1/4, दैट मीन 0.25। ओके, तो 0.25 हमारे पास निकल चुका है एच की वैल्यू, स्टेप साइज की वैल्यू। स्टेप साइज के साथ चार सब इंटरवल हैं, तो पॉइंट फंक्शन 5 बनने वाले हैं। पॉइंट फंक्शन कैसे बनने वाले हैं, हम फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि वैल्यू हमारे पास क्या आने वाली है। फंक्शन हम निकालें और वैल्यू डालते हैं, देखते हैं। एक्स हमारे पास है 0 से स्टार्ट हुआ 0.25, तो 0.25, 25 तो 0.5, 25 तो 0.75, एंड अगेन 25 तो 1, तो 0 से 1 तक गए। चार सब इंटरवल है, 1, 2, 3, 4, सब कुछ करेक्ट। बात करते हैं वैल्यू की, एफ एक्स मेरे पास ये रहा एफ एक्स, तो एफ एक्स मेरे पास है एफ एक्स इज इक्वल टू, ये था हमारे पास 1/1 + x², ये था एफ एक्स। ओके, अब वैल्यू आपको डालनी है और वैल्यू कैलकुलेट करना है, y0, y1, y2, y3, y4, y5, सारी वैल्यू। 0 पे हमने डाला 0, जो आसान है वहाँ पहले डाल देते हैं। 1 पे हमने डाला तो 1 + 1, 2, दैट मीन 0.5, बहुत बढ़िया। ओके, 0.25 पे हमको निकालना है, तो भैया ये हो गया 1 + 0.25 का स्क्वायर, ठीक है ना। अपन अपना दिमाग चाची चौधरी टाइप तो है नहीं कि हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर ले, हम करेंगे कैलकुलेटर से बाद में। और ये 1/ मेरे पास 1 + 0.5 का स्क्वायर, और ये मेरे पास यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं 1/1 + 0.75 का स्क्वायर। मैं ये निकाल सकता था 0, मैं ये निकाल सकता था 0.5, भैया इसकी और इसकी वैल्यू मैं निकाल नहीं सकता, तो ना तो मैं 25 निकाल सकता हूँ, ना 5 और ना 75, तो ये मैं निकाल नहीं सकता फिलहाल। कैलकुलेटर जिसे हम पूछेंगे कि आंसर क्या होने वाला है, वर्चुअल हो चाहे मैनुअल, बात करेंगे बाद में। फिलहाल क्वेश्चन को लेकर मैं चलता हूँ आगे। तो क्वेश्चन में हमारे पास था ये, तो इसको कंपेयर करेंगे तब जब आपको पता होगा सिम्पसन का फॉर्मूला क्या होता है। तो भैया सिम्पसन का फॉर्मूला ही नहीं पता तो आप अप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है। तो सिम्पसन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, तो सिम्पसन का हम यहाँ लिखते हैं, खुल जा सिम्पसन करते हैं यहाँ पे, चलिए। तो सिम्पसन को यहाँ पर लेके आते हैं, तो ये हमारे पास क्या कि भैया अपन लिख लें यहाँ पे, क्या हम लिख लेते हैं, ए से बी लिख लेते हैं, जो हमारी मर्जी वो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, घर की बात है। ये हो गया एफ एक्स, 1/3 रूल अप्लाई हो रहा है, तो h/3। ओके, यहाँ पर हमारे पास होता है फर्स्ट प्लस लास्ट, ठीक है, और अगर मैं इसको शॉर्ट में करूँ तो 4O + 2E, ये होता है सिम्पसन। अगर आप ध्यान से मेरे स्टूडेंट हो तो देख रहे होंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट मैंने किया 4O2E, 4 × ऑड और 2 × इवन। अगर मैं कंपेयर करना चाहूँगा तो मेरे को दिख रहा है कि ऑड वाले की बात चल रही है, अगर आप ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन वेश्चन क्या भाड़ में। फिलहाल हम फोकस करते हैं उस पर कि बोल क्या रहा है, तो 4 × α + β, कंपेयर मारने की बात हो रही है, ऑड की बात हो रही है। अब ऑड इवन समझते हैं, ऑड इवन हो क्या रहा है, तो यहां से स्टार्ट कर रहे हैं मैं y0, यहां से y1, ये y2, ये y3, ये y4, तो ये y1 वाला ऑड है, ये y3 वाला ऑड ये रहा आपके पास। इसका मतलब ये हो रहा है कि अल्फा की जो वैल्यू आने वाली है वो भैया ये आने वाली है, और बीटा की जो वैल्यू आने वाली है ये आने वाली है। पहले से पता चल गया, कंपेयर मारने की नीड ही नहीं पड़ रही, कॉमन सेंस बेस्ड बात हो रही है। जब कंपेयर पूरा का पूरा मैं मारूंगा फिर भी आंसर वही आने वाला है, बट अगर कॉमन सेंस बात बात करें हम लोग, तो देखते हैं वहां पे वैल्यू पुट करके आपको दिखाता हूं मैं। इधर देखिएगा, अगर वैल्यू हम लोग यहां पे पुट कर रहे हैं, एच की वैल्यू आपके पास कितनी है, एच कितना, 0.25 मतलब 1/4 डिवाइड किया, यहां पे होता है 3, सॉरी, तो यहां पे डिवाइड किया तो 4, तो 4 × 3 = 12। फर्स्ट प्लस लास्ट करते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट कर रहा हूं मैं, फर्स्ट की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 0 डालने से 1, भैया है ना, ऐसा कैसे हो सकता है, 0 डालने से 1, यहाँ डालेंगे ना एक्स की जगह 0, पूरी की जगह थोड़ी 0 डाल देंगे, तो यहाँ पे हुआ 1, यहाँ पे हुआ 0, और ये 1 + 1, ठीक है 0, तो ये हो गया 1.5। ओके, फर्स्ट प्लस लास्ट आ रहा है 1.5 प्लस 4 × ऑड, ऑड वाला ये रहा, ऑड वाला ये रहा, ठीक है। तो ऑड वाला भैया हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 1/1 + 0.25 का स्क्वायर प्लस 1/1 + 0.75 का स्क्वायर, और प्लस बिग ब्रैकेट लगा देते हैं, प्लस
टू इंटू इवन, टू इंटू इवन वाला रहा ये इवन वाला, तो ये हमारे पास आ गया वन अपॉन वन प्लस 0.5 का स्क्वायर। अच्छा जब आप इसको सॉल्व करेंगे, वैसे 1.1 अपॉन 1.5 ना, तो ये हो गया हमारे पास 1.25 का इन्वर्स लेंगे तो 0.8 जा 1.6 और 1.6 मतलब 16 और 15 31 मतलब 3.1 करेक्ट, 16 15 31 3.1, तो ये मेरे पास देने वाला है क्या 1/12 और ये मेरे पास ये और ये कुल मिला के देने वाला है 3.1। कैलकुलेट कर लीजिए, मैं तो एकदम आसानी से, कुछ कुछ डेटा तो डायरेक्ट कैलकुलेट होना चाहिए। 0.25 अपन ने क्या 5 का 25 पाँच यहाँ डेसिमल लगाया 2 पॉइंट के बाद, तो आ गया हमारे पास 0.25 इन्वर्स मारा कितना 0.8 2 16 मतलब 16 ए 1.6 प्लस 1.5 3.1 डायरेक्ट कैलकुलेशन प्लस 4 इंटू, तो ये हमारे पास जो भी आ रहा है ये अल्फा है, वहां से कंपेयर मार रहे हैं, है ना, तो ये हमारे पास जो भी आ रहा है ये अल्फा, तो अल्फा की जो वैल्यू हमारे पास आने वाली वो आने वाली 1 अपॉन 1 प्लस 0.25 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस ये जो वैल्यू हमारे पास आने वाली है, रफ में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बीटा 0.75 का स्क्वायर। तो ये आपको कैलकुलेट करके आपने कमेंट बॉक्स पे कमेंट किया होगा, अगर आपने नहीं कैलकुलेट करके कमेंट किया या आपने नहीं कैलकुलेट कर पाया, कंपेयर नहीं कर पाया होगा, कुछ लोगों को क्लिक ही नहीं किया होगा, करना क्या है, तो आप क्वेश्चन को आराम से फिर से एक बार देखना, मैं ब्लू कलर से सर्कल लगा रहा हूँ, आपके पास पहला जो अल्फा की वैल्यू वो ये आपके पास रहा अल्फा, सेकंड बीटा की वैल्यू ये आपके पास रहा बीटा, तो अल्फा और बीटा हम आसानी से कैलकुलेट करके कमेंट पे कमेंट कर सकते हैं। तो अल्फा और बीटा ये रहा आपके पास, नेक्स्ट कॉम्पैक्ट राउंड में मैं आने वाला हूँ, मैं टॉपिक थोड़ा सा चेंज करूँगा, न्यूमेरिकल मेथड्स की बात हमने करी है, अब मैं नेक्स्ट टॉपिक को इंट्रोड्यूस करूँगा, वैक्टर कैलकुलस के साथ में आऊँगा। थैंक यू सो मच।